तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज्य से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे 100% इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरे तरह से अच्छे से देखिएगा पूरी तरह से। और इससे पहले भी आप लोगों को 7 चैप्टर तक की वीडियो इस चैनल पे आ चुकी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखिए। पुराने स्टूडेंट तो सभी वीडियोस को फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि सभी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो देखने के लिए यहाँ का आई बटन का भी उपयोग कर सकते हैं या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल से जोड़िए, ये आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोगों के द्वारा ये संभव है। और जिस तरह से आप लोग कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं उसी तरह से क्लासेस करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। और इस क्वेश्चंस में आपके लिए एक गिफ्ट है, तो वीडियो को पूरे तरह से अच्छे से देखिए, वो गिफ्ट आपको वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लाया गया है, तो याद रखिएगा। और इससे 100% है कि इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उससे क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे ही तो करेंगे एग्जाम में। 100% मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चंस मैच करेगा ही करेगा। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख चुके होंगे, आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में ही बताया था कि आईने अकबरी किन्होंने लिखा था, तो आईने अकबरी के जो लेखक थे अबुल फजल, इनका जो पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक, तो मैंने सभी चीजें आपको बताई थी इनके बारे में। तो फर्स्ट का सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो चलिए देखिए, 2009 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2012 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर को। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी द राइट आंसर, 5, बिल्कुल सही, 5 इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स आपको अबुल फजल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं, इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, तो अच्छे से याद रखिएगा, उनके पिता का नाम शेख मुबारक था, तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2010 और 2014 के एनुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको अकबरनामा के बारे में बताया कि अकबरनामा जो था वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनका नाम क्या था। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहे। ऑप्शन डी द राइट आंसर, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी, ऑप्शन डी द राइट आंसर, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दीने इलाही संबंधित है, दीने इलाही संबंधित है। 2011, 13, 14, 16, 18 इतने बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करता है। मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या सब्जेक्टिव ही, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन को आपने कर लिया तो आपका जो है 70% जो होगा आपने मतलब पढ़ाई को एग्जाम पास करने के लिए कवर कर लिया, 30% ही आपको मेहनत करना रह जाएगा। तो चलिए फटाफट, दीने इलाही संबंधित है, ऑप्शन ए है बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब, तो थर्ड का सही आंसर है आपका। चलिए तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, दीने इलाही संबंधित है अकबर से। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। ऑप्शन ए है मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी। तो 4 बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो क्या थी? तो 16वीं सदी में ही हुआ था क्या? मुगल राज्य का भी स्थापना हुआ था, व्यापार भी हुआ था, मुद्रा और बाजार ये सभी जो हुई थी वो बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी 16वीं सदी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। जिनका आंसर गलत हो रहा है कृपया आप लोग पहले से ही रिवाइज कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा एक दिन पहले ही कि अगले वीडियो जो होगा कौन से चैप्टर का आएगा,
कौन से सब्जेक्ट आएगा, आप ही लोगों के कमेंट पर बनाया जाता है। हिस्ट्री का ज्यादा कमेंट था तो हिस्ट्री का ही चैप्टर को लाया जा रहा है, तो आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा। और साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी चैप्टर का आपको बनाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए विनोद, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, या उपरोक्त सभी। तो 5 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक ग्रंथ, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, और सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने होगा, वीडियो ज्यादा फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और तब आंसर देने की कोशिश किया, बट आंसर को आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, एक तरह से आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। रायत रियाज जो होता है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोतों में किसान के लिए आमतौर पर कौन कौन से शब्द प्रयोग किए थे, रायत भी कहा जाता था, रियाया भी कहा जाता था, मुजरियान भी कहा जाता था, आसामी या किसान के नाम से भी इन्हें जाना जाता। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इस तरह से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक भी बार अभी तक पूछा नहीं गया, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाए इस वर्ष। तो चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है द राइट आंसर, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बाबर के संस्मरणों की मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। ऑप्शन ए है तुर्क ए बाबरी एवं तुर्की, तारीखे हिंदुस्तान एवं हिंदवी, बाबर नामा तथा फारसी, तारीखे बाबर शाही तथा उर्दू। तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, तुर्क ए बाबरी एवं तुर्की, ऑप्शन ए द राइट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन ए द राइट आंसर। और यूट्यूब पर एक ट्रेंडिंग नेम चल रहा है जी, विनोद, और हमारे पास भी एक विनोद है, तो चलिए हमारे चैनल पर भी एक विनोद है इस समय जो है, विनोद नाम बहुत फेमस हो गया है, तो जिधर आप लोग देखिए हर कमेंट में आपको विनोद विनोद देखने को मिलेगा, और हम लोगों के पास भी एक विनोद आ चुके हैं, तो सभी लोग उनका स्वागत कीजिए, वेलकम बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, ऑप्शन ए है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, अकबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और मैं तंबाकू के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा अगले क्वेश्चन में, देखिए और भी क्वेश्चन इस पर सेट किया गया है, तो उस क्वेश्चन में आपको अच्छे से जानकारी मैं दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 10, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, तो ऑप्शन क्या होगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन, कमेंट कीजिए फटाफट से, जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं उसी तरह से कमेंट को करते रहिए, और इसी तरह से आप लोग ग्रो करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जितने भी चैप्टर होंगे सभी चैप्टर की वीडियोज आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, सभी के वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। इसके लिए आप लोगों को किसी तरह से कोई मतलब की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऑप्शन बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही, 10 का ऑप्शन बी, 5 करोड़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। और फ्रेंड्स एक बात बताना था आप लोगों को, ये जो मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 किया था, ज्योग्राफी के चैप्टर 3 में आपका जो जनसंख्या वाला था चैप्टर, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा, और मिस्टेक से मैंने सी बता दिया आप लोगों को, तो उसको आप लोग जाकर क्या करेंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसको एक बार सही कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, जो था आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6 से ही आपको पढ़ने को मिलता है खरीफ और जायद और रबी फसल के बारे में। तो खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, शीत, पतझड़, बसंत, इनमें से कोई नहीं, गलत आंसर कोई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता वो कमेंट स्टॉप कर देगा, लेकिन गलत आंसर कोई नहीं देगा क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो खरीफ की जो फसल होती है अक्टूबर में पतझड़ के मौसम में तैयार होती है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा, अक्टूबर पतझड़ के मौसम में खरीफ की फसल तैयार होती है। खरीफ मतलब अभी जो हमारे यहाँ रोपा गया है धान, ये सब, यही सब खरीफ की फसल होती है, और ये आपका अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर से हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं, यानी कि जो होता है पतझड़ के मौसम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12,
रबी फसल किस ऋतु में होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। रबी फसल किस ऋतु में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और एक मिनट। तो अभी आप लोगों ने आंसर देख लिया शायद, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हम लोग। रबी फसल किस ऋतु में होती है, ऑप्शन ए है बसंत, बी है ग्रीष्म, सी है वर्षा, डी है पतझड़। तो चलिए फटाफट रबी फसल के बारे में बताइए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रबी फसल भी कोई बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है, रबी फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बसंत आप लोग देख चुके, ग्रीष्म, वर्षा, ऋतु, पतझड़। तो फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बहुत बहुत बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट करते रहे। तो जो रबी फसलें होती हैं, ये फसलें वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और जाड़े के प्रारंभ में यानी नवंबर में काट ली जाती है। रबी की फसलों को पानी के अलावा ठंडे मौसम की जरूरत होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि, ये सब जो फसलें होते हैं जाड़े के प्रारंभ यानी नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ यानी अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन सी, द राइट आंसर वर्षा। रबी की फसल किस ऋतु में होती है, एक मिनट। तो रबी की जैसा मैंने आपको बताया कि रबी की फसल को जो होता है वो पानी के अलावा ठंडे मौसम की जरूरत होती है, तो इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप ही लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत से लोग बसंत कमेंट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी द राइट आंसर वर्षा। देखिए रबी की फसल किस ऋतु में होती है, बसंत में तो इसे शायद काट लिया जाता है ना जी। चलिए तो जो आपको सही लगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग भी अपलोड कर सकते हैं खुद अपने से। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद अपने से कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा का कुल फसलें होती थी, तो क्या होगा राइट आंसर 13 का। आईने के अनुसार, आईने आईने जो चैप्टर, आईने जो आपका बुक जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया आईने एक बड़ी, तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा के कुल फसलें होती थी। तो सही आंसर है आपका 13 का, ऑप्शन बी द राइट आंसर 3, याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था ऑप्शन ए है मक्का, गेहूं, चावल, कपास। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उस फसल का क्या नाम था। तो 14 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर मक्का, याद रखिएगा फ्रेंड्स मक्का। मक्का जो फसल है इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए, मक्का जो होता है खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी और खरीफ मतलब अगेती फसल के रूप में भी ली जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, यह एक बहुउपयोगी फसल है, वह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान है, मक्का का दर्रा भी बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, ऑप्शन है पत्रकार, पटवारी और पंचायत, खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या भूकदम, विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार, किसान, अध्यापक तथा पंडित। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर, खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। फर्स्ट हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, तो आप लोग विनोद का स्वागत करिए पहले। हाँ ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग चल रहा है विनोद। 16, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, ऑप्शन है मुकद्दम या मुखिया, अमीर या अमीर, चौधरी या सरपंच, या पंच या पितामह। तो 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, मुकद्दम या मुखिया, याद रखिएगा पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और वीडियो को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर पश्चिमी, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं पश्चिमी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, परगना मुगल काल में था, परगना अभी भी परगना है सभी का, तो ऑप्शन ए है प्रशासनिक मंडल, प्रांतों की राजधानी, विशालतम प्रांत, इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, एक प्रशासनिक प्रमंडल। और फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट यही था कि आज आपको इस वीडियो में 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 31, और आप लोग बताइएगा, सभी लोग बताएंगे विनोद के साथ साथ, आप लोग सभी लोग बताएंगे कि आप लोग 31 में से कितना सही किए हैं, तो आप लोग अच्छे से बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, पेशकश करना का क्या अर्थ था, ऑप्शन है हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट,
युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया तट कर। तो 19 का राइट आंसर है, कैसे कहते हैं, पेशकश किया जाए, यानी कि मुगल राज में जो हम लोग अकबर उकबर को देखते हैं, जो सीरियल देता है, जो देखते हैं आप लोग अकबर बीरबल, तो कहता है कि पेश किया जाए, तो मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, यानी 19 का सही आंसर है आपका, ऑप्शन बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे और फटाफट से कमेंट करते चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने टोडरमल के दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया, अकबर टोडरमल था, अकबर का क्या था, वित्त मंत्री था, तो टोडरमल को कब नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1582 ईस्वी, 1583 ईस्वी, 1584 ईस्वी, 1585 ईस्वी। तो ट्रेंडिंग नेम, फटाफट आंसर, 20 का राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जजिया किससे लिया जाता था। जजिया के बारे में किन्हें पता है, जजिया के बारे में पता है सभी को, जजिया क्या था, तो जजिया के बारे में जान लीजिए। जजिया एक प्रकार का इस्लामिक, तब तक आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। जजिया कर एक इस्लामिक राष्ट्र में रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। भारत में दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था, और जजिया कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रथम बार ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास ब्राह्मण नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, जीमियों से, यानी ये मुसलमान के अंतर्गत गैर मुसलमान कहा जाता है, तो उन्हीं से आप जजिया कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को आपके 2018 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। ऑप्शन ए है चीन में, यूनान में, रोम में, इंग्लैंड में। चीन में, यूनान में, रोम में, इंग्लैंड में, तो फटाफट आंसर कमेंट, तो मैं आपको 50-50 करता हूँ, ये नहीं होगा आपका और ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है चीन और इंग्लैंड, तो कौन होगा राइट आंसर, इंग्लैंड के बारे में क्या कहना है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। ऑप्शन ए है बेबड़ी जैरेट ब्लैकमेल ब्लॉकमैन। आप लोग का भी कमेंट फास्ट जा रहा है तो हम भी फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, आप लोग का कमेंट स्लो जाएगा तो हम भी स्लो स्लो बोलेंगे। तो 23 का सही आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर सर। इस तरह से आपको याद रखने, अच्छे से याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर आपको इनमें से सभी हो जाएगा। अबुल फजल जो थे वो अकबर के ऐसे नवरत्न थे जिन्हें जहांगीर ने मरवाया था, तो ये तो आप जान चुके होंगे, बहुत मतलब ये जनरल सा बात है और सभी को पता होगा कि इन्हें किन्होंने मरवाया था, जहांगीर ने मरवा दिया था। अकबर के नवरत्नों में से एक ऐसे ही थे अबुल फजल। इनका परिचय कुछ ऐसा है कि मुगल कार्यकाल की प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से चैनल पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ऑप्शन है बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, सभी में। तो 24 का राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर अकबरनामा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, और चैनल पर मतलब जोड़िए अपने दोस्तों को। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो 25 का सही आंसर है आपका, ऑप्शन है द राइट आंसर अकबर, याद रखिएगा अकबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो 26 नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26, तंबाकू पर किस शासक ने रोक लगाया, और मैंने ये भी आपको बताया था कि तंबाकू पर जो हुआ था, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम इसका सेवन किया, तो ये भी मैंने आपको बताया है। और मैं अभी बताने वाला हूं कि किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो इसका सही आंसर है आपका 26 का राइट आंसर। फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, और याद है जिनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छे से याद रख रहे हैं। तो 26 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर ने फ्रेंड्स 1617 ईस्वी में तंबाकू पर बैन लगाया, प्रतिबंध लगाया। और हमारे देश, हमारे बिहार में नीतीश कुमार ने भी जो शराब पर है उस पर बैन कर दिया है, तो ये सभी को पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, डब्ल्यू एच मोरलैंड, आरपी त्रिपाठी, आरएस शर्मा। तो 27 का सही आंसर है आपका, ऑप्शन भी याद रखिएगा, डब्ल्यू एच मोरलैंड, याद रखिएगा, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, और इस वीडियो में आपको 31 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है। और कल हम लोग सुबह जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर
कितने चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, लगभग 5 चैप्टर कर चुके हैं, तो 6 चैप्टर को हम लोग करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर 6 है पॉलिटिकल साइंस का, वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर उसमें से क्वेश्चन ऐसा एक भी साल नहीं है जिस साल उसमें से आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को ना मिले। यानी 6 जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि उसमें आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा कराएंगे उस चैप्टर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो उसको अच्छा से कराना है। तो भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, इंग्लैंड द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से, या अरबों द्वारा। तो तंबाकू का जो पौधा भारत में 1608 ईस्वी में लाया गया था, और भारत विश्व के उत्पादक में लगभग 7.8% तंबाकू उत्पादन करता है अभी, और तंबाकू शीतकाल में पैदा होता है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया तो किनके द्वारा, तो इस याद रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा सन 1608 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग पढ़िए कि अच्छे से याद हो जाए, और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 20, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, आप लोग को सोल्यूशन दिया जाएगा। 29 नंबर, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। ऑप्शन है 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो बांटा गया था वो आपका सही आंसर है, आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, 4 भागों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ऑप्शन है बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। तो 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर, टोडरमल। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले ना टोडरमल के बारे में, इन्हीं अकबर ने क्या किया था, तो मतलब उसको नियुक्त किया था, तो किस पर नियुक्त किया था, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो सभी क्वेश्चंस मैं अच्छे से कराता हूँ। अकबर ने टोडरमल को दीवाने या सरफ नियुक्त किया था 1583 ईस्वी में। और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को खुद पता है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, क्योंकि मैंने अभी इस क्वेश्चन को कराया था। सबसे पहले कौन करते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारा जो अगला वीडियो होगा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर यहाँ तक करा चुके हैं उसके आगे अगला चैप्टर होगा। मुझे चैप्टर का नाम तो याद नहीं, बट 6 नंबर चैप्टर जो है आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि कल 6 चैप्टर का ही होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना जरूर, कमेंट अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो नाइस लिखिए, गुड लिखिए, बेस्ट लिखिए, जो भी आपको लग रहा है वो लिखिए। और फिर से हम लोग मिलेंगे इसी समय पर जो हम लोग मिलते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिए और सब्जेक्ट को कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और विनोद को ट्रेंडिंग नाम, सभी लोग विनोद को थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए, बहुत ज्यादा मतलब फेमस सा नेम चल रहा है यूट्यूब पर अभी। विनोद आप सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब पर कितने चैनल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, मैं किसी का मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मतलब एक तरह से जो ट्रेंडिंग चल रहा था उसी के बारे में बताया। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।